रेडियो हिंदुस्तान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जो प्राचीन काल से ही विश्व को राह दिखाता आ रहा है। यहाँ पर अनेकों सभ्यताएं पुष्पित पल्लवित हुई, अनेकों महिलाएं जो न केवल विदुषी थी बल्कि अपनी महानता से भी आगे रही हमेशा, चाहे वो अहिल्या हो, गार्गी, मैत्रेयी या रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती। अनेकों नारियां बहुत विदुषी और महान रही हैं यहाँ, और आज आधुनिक युग में भी भारतीय नारी नित नए इतिहास रच रही है। आज जहाँ टॉप लेवल पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड हुई हैं, वही ग्रास रूट लेवल पर भी अनेकों महिलाएं एक्टिवली कार्य कर रही हैं। आज रेडियो हिंदुस्तान पर हम स्वागत करते हैं ऐसी ही एक निडर और कर्मठ महिला मिसेस पूनम सिंगल का, जो है बीजेपी छावनी मंडल महिला मोर्चा मेरठ की उपाध्यक्ष और साथ ही वैश्य समाज सेवा समिति की महिला प्रकोष्ठ की महानगर अध्यक्षा भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। धन्यवाद धन्यवाद बहन। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि राजनीति और समाज सेवा को ज्वाइन करने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? ये प्रेरणा तो मुझे मेरे पति श्री अमित सिंगल जी से मिली। वैसे तो पॉलिटिक्स का हम चर्चा कॉलेज टाइम में, जब मैं मेरठ कॉलेज से LLB कर रही थी, तभी से कर रहे थे, परंतु यह है पूर्ण रूप से सक्रिय होने की प्रेरणा जो मुझे शादी के बाद अपने पति से मिली। जी बहुत अच्छा। घर से यदि हमें प्रेरणा मिलती है तभी शुरुआत होती है हमारी सफलता की, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी इस सफलता का राज क्या है? आई मीन टू से कि आप घर, समाज सेवा और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कैसे मैनेज कर पाती हैं सभी को एक साथ? देखिए, ये सब मैनेजमेंट तो जो होता है वो हमारे परिवार के सहयोग से ही होता है। यदि हमारा परिवार हमें सपोर्ट करेगा तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे यदि परिवार को छोड़कर कोई काम अचानक भी आते हैं, और कोई काम पूर्व निर्धारित होते हैं वो तो मैनेजमेंट हो जाते हैं, परंतु कोई काम अचानक आता है तो बिगड़ सपोर्ट के हम नहीं कर पाते, तो उसमें परिवार का, स्पेशली मेरे बच्चों का फुल सपोर्ट मिलता है मुझे। जी बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी आगे आपको सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे घर में सभी का कैसा रेस्पॉन्स रहा, परिवार में आपके सभी सदस्यों का? सभी का बढ़िया रहा, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से है, क्योंकि भाजपा को हम पूरी तरह से, मेरे पति सक्रिय हैं और बच्चों में भी ये थोड़ा सा मेरी भावना है कि देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये सब परिवार का ही सहयोग मिल रहा है सब। जी बहुत अच्छी बात है ये। तो यहीं से मेरा एक अगला प्रश्न आता है आपके लिए। आपने जब ये कदम बढ़ाया समाज सेवा के लिए और पॉलिटिक्स में, तो फिर ये बीजेपी को ही क्यों आपने चुना, जैसे कि यहाँ पर तो और भी पार्टियां हैं? तो बीजेपी को चुनने का उद्देश्य यही है, बीजेपी का हमारा मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है मोदी जी का? व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा नेता, वो देश, दल से बड़ा हमारा देश। तो देश जब ये हमारा आगे बढ़ रहा है, और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी अभी हमने 3 दिन पहले की पुण्यतिथि सेलिब्रेट करी, तो ये परंपरा हमारी तब से चली आ रही है और वो अनवरत आज भी कायम है। तो मोदी जी ने, हमारे मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि उनकी संस्कृति से, उनके सद्व्यवहार, उनके सुविचार से ही ये सब पूर्णतः हिंदू राष्ट्र कायम हो रहा है। जी, सबका साथ सबका विकास और हमारे साथ में सभ्यता का भी विकास। हाँ, और सरकार तो अपने हर मिशन को, हर संकल्प को जनता के सहयोग से ही पूरा कर रही है जी। तो जैसे मोदी की उपलब्धियां थी, हाँ, क्योंकि अब अटकाने भटकाने लटकाने वाली संस्कृति जो है सब खत्म हो गई है, फाइलों को दबा दी जाती है, ये सब कुछ नहीं है। अब एक स्वच्छ राजनीति है जो समाज को अच्छा संदेश दिया जा रहा है, कोई रिश्वत नहीं ली जा रही है, कोई कुछ नहीं किया जा रहा जी। तो जैसे अभी मोदी जी की उपलब्धि तो हम गिनाने बैठे तो समय हमारे लिए आज कम हो जाएगा, ऐसी तो बहुत है, लेकिन देश के विकास के संदर्भ में आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी उपलब्धि है, सरकार के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और जिसकी आप तहे दिल से तारीफ करना चाहेंगी? सरकार का भी है, आपने भी, सभी ने, हमारे युवाओं ने
जो अग्निपथ योजना निकाली है सरकार ने, वो सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उसमें 17 साल से उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक के बच्चों को जो एक ये आर्मी की ट्रेनिंग या कोई ट्रेनिंग नहीं है, एक ये ट्रेनिंग जो दी जा रही है बच्चों को, युवाओं को, वो एक सफल नागरिक बनाने के लिए दी जा रही है। वो जो बच्चे ने ये ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग को वो आने वाले समय पर जब ये ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो वो आने वाले समय में किसी भी नौकरी में और किसी भी कहीं पे भी वो उसका सर्टिफिकेट दिखाकर उसका वो लाभ उठा सकता है। इसमें उसे सरकारी अलाउंस भी मिलेगा, ट्रेनिंग के करते के दौरान सारी सुविधाएं, अलाउंस, ये सब कुछ सरकार दे रही है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ये पता नहीं कि इसका परिणाम, सुखद परिणाम आने वाले समय पर वो तब पता चलेगा उन्हें। तो इस योजना का लाभ ले, युवाओं से तो मेरा यही संदेश है, वो सब इस योजना का लाभ ले और अग्निपथ योजना से जुड़े। जी, तो आप जैसे अभी आपके पास पावर भी है, पहचान भी है, तो बाकी समाज की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या करना चाहेंगी उनके लिए? अभी आपको क्या लगता है कि महिलाओं से संबंधित क्या क्या समस्याएं हमारे समाज और देश में अभी हैं और क्या करने की आवश्यकता है? देखो, समाज को संदेश तो बहुत है, परंतु जब हमारे मोदी जैसे सशक्त नेता हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात ही क्या है। हिंदू राष्ट्र जागृत हो रहा है, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण हो चुका है, तो महिलाओं के लिए तो क्या, महिलाओं के हिंदू राष्ट्र जागृत हो रहा है, हिंदुत्व जागृत हो रहा है, तो यही सब बातें हैं जो एक आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिल रही है। जी, अभी जैसे आज जैसे रवि वाली जी जी बताइए, बोलिए। नहीं, मैंने बस ये कह रही थी जैसे प्रधानमंत्री जी की ये मन की बात जो एक उनका कार्यक्रम है, लोगों से सीधे जुड़ने का, संवाद करने का तरीका, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मन की बात जो होती है, जो हमारे देश में जो विचार चल रहे हैं वो सीधा हर महीने के अंतिम रविवार को हमारे मोदी जी वो बताते हैं, तो वो सब हमारे जनता के ही विचार हैं, जो जनता में समस्याएं हैं वो हैं। तो वो जैसे जल की थी पिछले महीने, तो वो सब समस्याएं को ही मोदी जी लेते हैं आगे, तो वही जागरूकता पैदा करी जाती है समाज में, तो वो सुनना चाहिए। मैं तो हर महिला से, हर युवाओं से कहूंगी कि मोदी जी की मन की बात को सुने, उसका मनन करें, चिंतन करें, देश की उन्नति में सहयोग करें। जी, अभी तक हमने बात की मोदी जी की, अब थोड़ी सी बात योगी जी की भी हो जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें हम और योगी जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो हाँ बताइए प्लीज। बस मोदी जी और योगी जी जैसे राम और लक्ष्मण, राम के बिना लक्ष्मण अधूरे, लक्ष्मण के बिना राम अधूरे, तो ये तो एक जोड़ी बन गई, राम लक्ष्मण की जोड़ी बन गई है। जो आप समझती हैं कि सोतीगंज का जो हटना, सोतीगंज में जो कटान होता था इसका विकलों का, तो क्या ये संभव किसी और सरकार में हो सकता था? ये सिर्फ योगी जी के सरकार में ही संभव हुआ, जिसके पूरी जिसके मन की बात में मोदी जी ने बहुत तारीफ करी योगी जी, तो ये सब हुआ। अभी हमने योगा डे भी मनाया, जी योगा डे भी मनाया इसका, इंटरनेशनल योगा डे, तो इंटरनेशनल योग डे बना। मेट्रो का अभी मेट्रो का काम आप पूरी तेजी से चल रहा है, तो वो किसके यार राज में, ये योगी जी के राज में तो चल रहा है मेट्रो का काम, जिसका फायदा युवा करेंगे, जो सर्विस के लिए आज हमें दिल्ली में बच्चों को रहना पड़ता था, वो अपने पूरे कम समय पर सदुपयोग करके अपने कम समय पर वो कर सकते हैं। अपराधी पे लगाम लगाई है योगी जी ने जी। अब हम किसी भी महिलाओं का साथ बलात्कार या कोई भी घटना है वो क्यों नहीं सुनाई दे रही है? सिर्फ योगी जी के राज की वजह से ही तो अपराधी डर के बैठ के बिल में बैठ गए हैं अपराधी। बिल्कुल सही जी। तो समाज सेवा, घर से समाज सेवा और राजनीति तक का ये सफर आपका ऐसे ही अच्छा चलता है, ऐसी रेडियो हिंदुस्तान की शुभकामना है और हम फिर से मिले इसी मंच पर
और कोई संदेश आप रेडियो हिंदुस्तान के लिए देना चाहें तो? रेडियो हिंदुस्तान आगे दिन रात तरक्की करे, ऐसे ही तरक्की करते रहे और समाज को नए नए संदेश देते रहे, आपके जरिए संदेश मिलते रहे, जनता आपके थ्रू जागृत होती रहे, सब आपको सुने। संदेश आपका? संदेश तो रेडियो हिंदुस्तान जनता के लिए, जनता के लिए तो यही संदेश है। संदेश तो यही है कि जागरूकता ही है मेन, तो जो जागरूक कर रहे हैं हमारे मोदी जी, योगी जी या समाज के लोग, तो वो एक हिंदू राष्ट्र, आपने भी सुना देखा होगा, हिंदू राष्ट्र जागृत हो रहा है। पहले हमारा हिंदू कांग्रेस के समय पर दबा हुआ रहता था, आज हम हिंदूवादी कहते हैं हमारे हिंदू के लिए कि हिंदूवादी हो रहा है, हिंदूवादी नहीं हो रहा, हम राष्ट्रवादी हो रहे हैं, हिंदूवादी नहीं हो रहे हैं, राष्ट्रवादी हो रहे हैं, कोई हम हिंदू मुसलमान ये नहीं है। पहले हम जब 1947 में जब हम पाकिस्तान से जो लोग आए हिंदुस्तान में आए, तो उनकी जमीनें जो है वो पाकिस्तान वालों की हो गई, परंतु जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए वो वक्फ की हो गई जी। तो ये क्या है जी, तो अब सुधार की उम्मीदें करते हैं हम मोदी राज में कि आगे सब कुछ सही हो जी। हाँ, सुधार की तो फुल उम्मीद वो है, सुधार तो हो ही रहा है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, आप जैसी महिलाएं हैं रेडियो हिंदुस्तान पे, मैंने कितने चैनल आपके देखे हैं, कितने आपके ये प्रोग्राम्स को मैंने सुना है, तो वो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। पहले ये सब क्या था, पर ये सब होता था पहले, फर्क तो दिखाई दे रहा है ना, अंतर दिखाई दे रहा है। जो लोग मोदी जी की योजनाओं का विरोध करते हैं उनका क्या किया जाए आपके अनुसार, क्या उन लोगों को? उनका कुछ नहीं करा जाए, उन्हें विरोध करते हैं। अब जब लाभ मिलेगा, जैसे अग्निपथ योजना का ये जो लाभ मिलेगा, जो ज्वाइन करेगा वो लाभ लेगा, जो ज्वाइन नहीं करेगा उसे लाभ नहीं मिलेगा जी। तो ये तो बाद में जब उसके दूरगामी परिणाम उन्हें सामने आएंगे तब वो पछताएंगे कि हमने क्यों नहीं करा, हमने क्यों इस योजना का लाभ नहीं लिया, ये तो वो बैन करेंगे, वो दूरगामी परिणाम है, इसके तो सुखद परिणाम सामने आएंगे जो अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है परंतु समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये सब तो बाद में पछताएंगे ये सब लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे। आपसे थोड़ी सी एक और मेरा प्रश्न है कि जो नई शिक्षा नीति का जो एक इंट्रोडक्शन किया गया है मोदी जी के द्वारा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि युवाओं के लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी है नई शिक्षा नीति? शिक्षा नीति युवाओं के लिए पूर्ते कारगर होगी। पहले क्या होता था, हिस्ट्री में हमें मुगल काल पढ़ाया जाता था, हमें वीर सावरकर जी या मोहन मान नेता हमारे हुए हैं जिन्होंने आहुति दिया, हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, हमें सिर्फ मुगल याद कराया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस का शासन था। आज मोदी जी ने हमें सिलेबस चेंज कराया, सिलेबस चेंज में ये जो सारी जो शिक्षा नीति में बदलाव आया है उसका लाभ क्या है, उसका लाभ हमारे युवा लेंगे, युवा लेकर जो है राष्ट्र, फिर लास्ट में तो मैं यही कहूंगी कि राष्ट्र की उन्नति में जो युवाओं का सहयोग है वो पूर्ते दिखाई देगा आने वाले समय में जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी निडरता से और निर्भीकता से अपने विचार प्रस्तुत किए हमारे इस मंच पे, आपका अत्यंत आभार। आशा करती हूँ कि आगे भी अपने मुद्दों पर बात करते रहेंगे, तो रेडियो हिंदुस्तान से आपका अत्यंत आभार, फिर मिलेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आप मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी। आपने अब मेरे विचार सुने और आपने अपने विचार बताए, ये सब कड़ी ऐसे कड़ी जुड़ रही है जी। बिल्कुल सही, बहुत ही प्रसन्नता हुई आपके विचार जानकर, आपने भी बड़े निडरता और निर्भीकता के साथ अपने विचार व्यक्त किए। आशा करती हूँ आगे भी हम जुड़ेंगे एक नए सब्जेक्ट पर, नए टॉपिक पर बात करने के लिए भविष्य में, तो तब तक आप सभी जुड़े रहिए। दर्शकों की तरफ से आपका आभार, अत्यंत आभार, और रेडियो हिंदुस्तान की टीम की तरफ से भी आपका अत्यंत आभार, फिर मिलते हैं, नमस्कार। नमस्कार।